What's up everyone, welcome back to the channel. Thank you so much for your lovely wishes. Thank you so much for your love and support. I'm really blessed with the best people around me. और शुरू करते हैं हम लोग कुछ पढ़ाई के साथ. अकाउंटेंसी में फंडामेंटल्स की थ्योरी पोर्शन से तुम लोग को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करा रहा हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इसलिए क्योंकि थ्योरी पार्ट आप लोग वैसे ही इग्नोर करके चलते हो. तो थ्योरी में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो सब क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं. तो मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, बट प्रैक्टिस कर लेना और अपनी बुक्स में मार्क कर लेना इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट. हर किताब में मिल जाएंगे तुम लोग को ये क्वेश्चंस, बट ऊपर नीचे दिए होते हैं तो कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, बट पेपर में पूछे जाएंगे. तो आ जाओ जल्दी से देखते हैं कौन से 10 बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं फ्रॉम फंडामेंटल्स थ्योरी. लेट्स बिगिन. तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. एक काम करो, आप लोग जल्दी से एक पेपर लेके आओ और पेपर में साथ साथ आंसर्स लिखते रहना, फिर साथ साथ टैली करना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन. देखो इसमें एक्ट का सवाल भी बन सकता है कि जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो कौन से एक्ट में है. मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बन जरूर सकता है. क्या बोलोगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिख लेना. डेफिनेशन कहाँ पे है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. मैं यहां पे लिख देता हूं इंडियन, शॉर्ट में लिख दूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन है. अब कौन से सेक्शन में है ये इंपॉर्टेंट बनता है. सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 5. जल्दी से आप अपनी अपनी कॉपीज में सोच के आंसर लिख लो कि सेक्शन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा. उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा. और जो इसका राइट आंसर है वो है सेक्शन 4. डेफिनेशन जो दी गई है वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है. बहुत ज्यादा सेक्शंस याद नहीं करने आप लोगों को, बट जो डेफिनेशन है उसका तो होना चाहिए. तो सेक्शन 4. उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म आर. बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग सवाल. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं? क्या वो 50 है, क्या वो 100 है, क्या वो अनलिमिटेड है या वो 200 है? तो बहुत कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है. तो आपको याद रखना है, पहले तो आप लोग आंसर लिख लो जल्दी से अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे. क्या लगता है आपको? मैं तो ये चाहूंगा कि आप मिनिमम भी लिखो और मैक्सिमम भी लिखो. लिखो अपने पेज पे फटाफट से. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, व्हाट डू यू थिंक? तो मिनिमम कितने होते हैं जी? मिनिमम होते हैं 2. कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए. और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 50. पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं. कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन ए. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पूछा गया था 50 होते हैं. 100 भी कई जगह डिफाइंड है, बट जो एज पर कंपनीज एक्ट हम लोग देख के चलते हैं वो 50 ही लेके चलते हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होंगे. 200 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए होता है, वो पार्टनरशिप पे नहीं अप्लाई होता. ठीक है जी. तीसरा सवाल, अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP. LLP क्या होता है सर? LLP होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं? एक होती है जनरल पार्टनरशिप, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम पार्टनरशिप को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. चैप्टर 2 में पढ़ाया था बिजनेस स्टडीज में. तो वहां पे आपको याद रखना है कि LLP में भी पहले देख लो ऑप्शंस 50, 100, अनलिमिटेड, 200, सेम ऑप्शंस. इसका राइट आंसर क्या होता है? अनलिमिटेड. LLP में अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है. और मिनिमम तो 2 ही होते हैं. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका फटाफट से आंसर लिख लो तुम लोग पढ़ के. क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज. पार्टनरशिप डीड का क्या दूसरा नाम हो सकता है? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप रिलेशन, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप रिलेशन, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या हो सकता है? सोचो और जल्दी से अपने पेज पे लिखो. तो इसका जो राइट आंसर है ना, तो वो ये है, ना ये है, ना ये है. राइट आंसर क्या है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप.
आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द फर्म विल बी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन टेक्निकल है, इन द एब्सेंस, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना फर्म पे करेगा, फर्म ने लोन लिया, फर्म को पे करना है और डीड नहीं है, याद रखेंगे, या तो डिफाइन हो डीड में, ठीक है, या तो डिफाइन हो, अगर डीड नहीं है तो कितना होगा, 5%, 6%, 8% या एज डिफाइंड इन डीड, डीड तो है ही नहीं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, 8% भी नहीं, 5% भी नहीं, इसका राइट आंसर होगा 6%, 6% पर एनम के हिसाब से फर्म पे करती है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन उन्होंने लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आसान है, तुम लोग को मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आता होगा, P&L appropriation is what? जल्दी से लिखो अपने अपनी कॉपीज में, रियल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, या इनमें से कोई भी मान लो, जिन्हें कुछ नहीं आता होगा वो कह रहे होंगे सर कोई भी मान लो, मैं क्या बता, मैं मतलब ही नहीं है, अरे नहीं भाई बताओ, P&L appropriation क्या होगा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, लिख लिया, राइट आंसर क्या है इसका, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्यों, क्योंकि appropriation में डेबिट में सारे खर्चे लिखते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम्स और गेन्स लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास P&L appropriation अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ओके सही है जी, आगे चलते हैं। रेंट पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर को रेंट पे करा, अगर पार्टनर को रेंट पे करा तो उसको मैं क्या मान के चलता हूँ, क्या वो एक appropriation है, क्या वो एक चार्ज है, क्या वो एक एक्सपेंस है, या कुछ भी नहीं है इसमें से। तो देखो इस तरीके का जब सवाल आता है, रेंट पूछे, कमीशन पूछे, तो उसके अंदर जनरली जो आंसर पूछना चाह रहा है वो एप्रोप्रिएशन या चार्ज में से पूछना चाह रहा है, याद रखना, या एप्रोप्रिएशन या चार्ज। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, जो सिर्फ तभी देते हैं अगर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ना हो तो नहीं दी जाएंगी वो चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि पार्टनर की सैलरी, जैसे कि पार्टनर को कोई बोनस कमीशन, भाई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बोनस कमीशन कहाँ से दूंगा, सैलरी कहाँ से दूंगा पार्टनर को। लेकिन अगर मैंने कोई बिल्डिंग ली हुई है, उसका रेंट है बेटा, रेंट है, अब सोचो जो रेंट पे करना है, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं है तो मैं क्या ये बोल दूं कि मैं रेंट नहीं देता, मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ जी, लॉकडाउन है जी, मैं तो रेंट नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट हो या ना हो, काम करो या ना करो, अगर आपने कोई बिल्डिंग ले ली, रेंट देना पड़ेगा। तो जो चीज़ें हमेशा देनी पड़ती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्रोप्रिएशन या चार्ज। एप्रोप्रिएशन नहीं, एप्रोप्रिएशन क्या है, एप्रोप्रिएशन है तब देंगे ओनली प्रोवाइडेड When profits are available, और rent देना ही देना है, it does not matter कि profit है या नहीं है, तो उसका right answer charge होगा। Charge वाली items कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, जैसे rent हो गया, जैसे interest on loan हो गया, भाई loan लिया तो ब्याज तो देना पड़ेगा, profit है या नहीं है matter नहीं करता। अच्छा, current account are not prepared when, current account कब नहीं बनाना, ये नहीं पूछ रहा current account कब बनाना है, current account कब नहीं बनाना, capital fixed हो, फ्लक्चुएटिंग हो, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो। अब अगर कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है, चलो पहले तो आप लोग आंसर्स लिख लो, आप अपने हिसाब से अपना माइंड लगा लो और आंसर्स लिख लो कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, क्या मान के चलो कि क्या करंट अकाउंट कब नहीं बनाना, क्या हो गया कैपिटल फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो क्या करंट अकाउंट बनता है, यस, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनता है, उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, उसको करंट अकाउंट नहीं बोलते। तो व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो करंट अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं सर, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आर नॉट गिवन, IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे चार्ज होगा, पूरे साल का, 6 महीने का, 12 महीने का और 3 महीने का, देखो फुल ईयर और 12 महीना एक ही है, एक ही बात है, समझ रहे हो, लेकिन ऑप्शंस ऐसा देगा मैनिपुलेट करने के लिए, तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज होना नहीं है तुमने, ठीक है। फुल ईयर, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, आंसर लिखो जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 मंथ्स। अगर कोई भी डेट नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमेशा 6 मंथ्स के हिसाब से दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, दीज आर सर्टेन रूल्स जो हम फॉलो करते हैं। इस तरीके के सवाल बनने वाले हैं एग्जामिनेशन में, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जज करे जाएंगे इस बार, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर, इस बार क्या है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है पार्टनर से, किससे लिया है, फर्म से लिया है, ठीक है, विल बी डेबिटेड टू P&L, डेबिटेड टू P&L appropriation, क्रेडिटेड टू P&L, क्रेडिटेड टू P&L appropriation। एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी चार्ज वाली आइटम्स होती हैं, चार्ज वाली अभी बताई थी ना, तुम लोग आंसर लिख लो अपना, चार्ज वाली कौन कौन सी होती है,
जो हमें पे करना ही करना है, जैसे रेंट, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे मैनेजर की कमीशन, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो ये पे करनी पड़ती हैं। और एप्रोप्रिएशन कौन सी? प्रॉफिट होगा तब कोई भी बोनस, कोई भी सैलरी पार्टनर की, ये सैलरी किसकी? पार्टनर की। कोई भी पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें होती हैं ना, ये इसमें जाती हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। और जो चार्ज वाली चीज़ें होती हैं वो किस में जाती हैं? पी एंड एल अकाउंट में। याद रखना, चार्ज वाली आइटम्स पी एंड एल अकाउंट में जाती हैं, एप्रोप्रिएशन वाली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाती है, नाम में ही लिखा है। अब सोचो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रॉफिट और ना प्रॉफिट होने से तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये है चार्ज वाली आइटम। तो या तो इसका ऑप्शन बनेगा ये, या बनेगा इसका ऑप्शन ये, ठीक है। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ये जो मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ एक वो टेक्निक जिसमें पहले गलत आंसर हटा रहा हूँ तब मैं सही पे पहुँच रहा हूँ। एक टेक्निक होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की कि सही से शुरू करो, एक होती है गलत से शुरू करो। टेक्निक्स पे ही वीडियो बनाऊंगा जल्दी, बस मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ और फिर तुम्हारे साथ बहुत सारा काम करेंगे। अब देखो क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से तो फर्म को तो इंटरेस्ट मिलेगा। अरे बाबा, इस बार इंटरेस्ट मिलेगा, और मिलेगा तो फायदा है तो डेबिट नहीं होगा, क्या होगा? क्रेडिट। इसका आंसर होगा क्रेडिट टू पी एंड एल अकाउंट। तो ये थे अभी तक के, मैंने बहुत फंडामेंटल से दिए। इसमें मैंने अभी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं डाला, इसके अंदर मैंने गारंटी का क्वेश्चन नहीं डाला। मुझे टॉप 10 क्वेश्चंस जो थ्योरी से लगे, जो पूछे जा सकते हैं। और देखो एग्जाम में बहुत टिपिकल या बहुत आसान नहीं होने वाला, मॉडरेट होगा, ना तो बहुत मुश्किल ना बहुत आसान। ये सारे मॉडरेट क्वेश्चन थे, तुम्हें आते भी थे लेकिन घुमाने वाले भी थे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर चाहिए कि किसके कितने नंबर आए आउट ऑफ 10। बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, मुझे पता चल जाएगा तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है, तो मैं अकॉर्डिंगली वीडियोज और लेके आऊंगा ताकि मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन आपको करा पाऊंगा। तो मुझे जरूर बताना कि कितने नंबर आए और कैसा प्रिपरेशन चल रहा है, बिल्कुल ऑनेस्टली दिल खोल के बताना भाई समझ के, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए तुम सारे मेरे अपने हो और मुझे मेक श्योर करना है कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। रही बात कॉन्सेप्ट्स की, तो कॉन्सेप्ट्स सब अपलोडेड है मेरे कम्युनिटी पे और टेलीग्राम पे। एक्टिव रहना, मैं बहुत सारे लिंक शेयर करता रहूँगा कि आज ये पढ़ लो, आज ये पढ़ लो, आज ये पढ़ लो, ठीक है। और ये एमसीक्यूज में कितने नंबर आए हैं ये बताओ, फिर आगे चलते हैं। अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ बट ठीक है, काम कर सकता हूँ, सही है जी। तो ये थे टॉप 10 एमसीक्यूज, और इसके बाद हम और आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए। तुम लोग फटाफट से, अगर तुम लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो जल्दी से, पहले इसका ले लो, ये आ जाएगा आपके पास। पहले इनिशियल दो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3-4 का ले लो, नोट डाउन कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5-6 का ले लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7-8 ये लो, 7-8 उसके बाद 9 और 10, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग को चीज़ें समझ आ गई होंगी। सभी बच्चों तक शेयर कर देना और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहो। इसके बाद तुम्हारे पास रीजन असोसिएशन भी है, वो भी डिस्कस करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच एवरीवन।